से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को केंद्रीय रक्षा समिति में शामिल करने पर कांग्रेस पीएम मोदी पर हमलावर है और कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आतंकी हमले में शामिल रहने वाली प्रज्ञा को अपने आखिरकार दिल से माफ कर ही दिया। कांग्रेस ने इसे वीर जवानों की शहादत का अपमान करार दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने शायराना अंदाज में पीएम मोदी को ट्वीट किया। सीएम ने अपने ट्वीट में कहा है कि मन से अपनायन की ये कैसी माफी दी है और आपने ये तो देश से आपने नाइंसाफी की है। और यानी कि सीएम के ट्वीट का मतलब है कि पीएम ने प्रज्ञा को माफ करके देश के साथ नाइंसाफी की है। खबर रायपुर।